नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC ट्यूब टीवी पर। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स फॉर्मूले हम किन नंबर्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड प्लस 7 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है और इसको हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि प्लस 8 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है और इनको हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। अगर आप फिंगर एबेकस का फुल कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में फिंगर एबेकस सीख सकें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जब भी हमको 6, 7, 8 या 9 में से कोई भी नंबर ऐड करना हो पर हम इन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं और बिग फ्रेंड की हेल्प से भी ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो हमको हेल्प लेनी पड़ती है कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स फॉर्मूले की। जब भी आपको 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी नंबर ऐड करना हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आप इन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है बिग फ्रेंड फॉर्मूले की। अगर आप बिग फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प से भी इन नंबर्स को ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हेल्प लेनी होगी कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स फॉर्मूले की। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हम कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प कब लेते हैं। मान लीजिए आपको करना है 6 + 8, ये हो गया हमारा फिंगर एबेकस पर 6। अब आपको ऐड करना है 8, तो 8 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो 8 को ऐड करने के लिए अब हम अप्लाई करेंगे प्लस 8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले को, जो कि होता है +10 - 2। ये होगी हमारा +10 - 2। अब हमको -2 करना है, -2 हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो -2 हम किस प्रकार से करेंगे, तो -2 करने के लिए अब हम हेल्प लेंगे -2 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है -5 + 3। -5 + 3 तो 6 + 8 हुआ 14। तो यहाँ पर हम 8 डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाए और ना ही हम बिग फ्रेंड की हेल्प से 8 को ऐड कर पाए। 8 को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने अप्लाई किया +8 के बिग फ्रेंड फार्मूले को और -2 के स्मॉल फ्रेंड फार्मूले को, क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों फार्मूले की हेल्प लेनी पड़ रही है इसलिए हम इन फार्मूले को बोलते हैं कॉम्बिनेशन फार्मूले। तो +8 के लिए हमारा कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फार्मूला होगा +10 - 5 + 3। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और +8 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फार्मूले को और अच्छे से अप्लाई करना सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, ये हो गया हमारा 5 + 8 + 10 - 2। -2 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, -5 + 3 + 1 + 5, आंसर इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 - 2 - 1 + 8, तो +8 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो अप्लाई करेंगे +8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले को +10 - 2। -2 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले की। +10 ऑलरेडी किया हुआ है, -5 + 3, आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 1 - 2 + 8 + 10 - 2। -2 नहीं कर पा रहे हैं तो -5 + 3, आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 8, +8 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो अप्लाई करेंगे +8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले को, +10 - 2 + 8 + 10 - 2। अभी हम -2 नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे, -5 + 3 + 6, आंसर इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 4
-3 +8 +10 -2 -2 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो -5 +3 आंसर इज 14। 9 -4 +8 +10 -5 +3 +5 आंसर इज 18। 8 -2 +8 +10 -2 -2 हम नहीं कर सकते हैं, तो -5 +3 +8 +10 -2 आंसर इज 22। 6 -1 +8 +10 -2 -2 हम नहीं कर सकते हैं, तो -5 +3 +8 +10 -2 आंसर इज 21। 5 1 +8 +10 -2 -5 +3 +8 +10 -2 आंसर इज 22। 6 +8 +10 -2 -5 +3 +4 +5 -1 +7 +10 -3 आंसर इज 25। 2 हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क हैं। आपको इन क्वेश्चंस को फिंगर एबेकस की हेल्प से ही सॉल्व करने हैं और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने सीखा +8 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले का यूज हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी फिंगर एबेकस फ्री में सीख सकें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।